प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को लॉन्च की थी अपनी जन स्वराज पार्टी। इस दौरान उन्होंने किया था बड़ा ऐलान, कहा था बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो 1 घंटे में बिहार में शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी। प्रशांत किशोर के शराबबंदी को खत्म कर देने वाले बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने प्रशांत किशोर पर बोला हमला। शाहनवाज हुसैन ने प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए कहा प्रशांत किशोर पूरे बिहार को शराबी बनाना चाहते हैं, 2 अक्टूबर के दिन पार्टी बनाते हैं और शराबबंदी खत्म करने की बात कहकर गांधी जी का अपमान करते हैं। गांधी जी के नाम पर 2 अक्टूबर को पार्टी बनाते हैं और गांधी जी का अपमान करते हैं, कहते हैं कि शराबे खोल देंगे, शराब का दरिया बहा देंगे, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, पूरे बिहार को शराबी बनाना चाह रहे हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा प्रशांत किशोर सिर्फ अपनी पार्टी के लिए बात करते हैं, पूरा बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है, उन्हें बिहार के लिए भी कुछ करना चाहिए। बिहार के लिए भी तो कुछ कीजिए, खाली अपने बारे में बोलते हैं। प्रशांत किशोर सिर्फ अपने बारे में बोलते हैं, अपने पार्टी के बारे में बोलते हैं। अपनी पत्नी और बेटी के साथ विदेश यात्रा पर गए तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे राजनीति, सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने बिहार सरकार पर बोला हमला। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा बिहार में अधिकारी किसी से डरते नहीं है, एसपी की बात तो छोड़िए, छोटा बाबू भी सांसद का फोन नहीं उठाता है। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों को मिलने वाली यह बड़ी राहत, बैलेंस खत्म होने पर भी मिलेगी बिजली, 6 महीने तक नहीं लगेगा कोई भी पेनल्टी। इस स्मार्ट मीटर में लगे पुश बटन को 20 सेकंड तक लगातार दबाने पर बिजली अगले 72 घंटे के लिए हो जाएगी बहाल, यह सुविधा महीने में एक बार ही विशेष परिस्थिति में मिलेगी। किसी आकस्मिक परिस्थिति में है और अगर बिजली कट गई आपकी, तो अब सुविधा दी जा रही है पुश बटन का, एक बटन उस मीटर में लगाया जा रहा है, उसको अगर आप दबाएंगे 20 सेकंड तक दबाए रहेंगे तो आपकी बिजली कनेक्ट हो जाएगी और 3 दिन तक 72 घंटे तक आपको बिजली उपलब्ध रहेगी। और उस 72 घंटे में आप जरूर रिचार्ज करा लें ताकि दोबारा आपको बिजली आपकी नहीं कटे और ये फैसिलिटी महीने में एक बार आप उपयोग कर सकते हैं। बिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान, कहा बाढ़ पीड़ितों को दुर्गा पूजा से पहले मिलेगी राशि, खुद बाढ़ का जायजा लेने दरभंगा पहुंचे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लहरियासराय पोलो मैदान स्थित बाढ़ राहत फूड पैकेजिंग सेंटर का भी किया निरीक्षण, उन्होंने कहा दुर्गा पूजा से पहले सभी बाढ़ पीड़ितों को 1,77,000 रुपए भेजे जाएंगे।